आधुनिक शिक्षा में अग्रणी SGT यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल टेक फेस्ट सिनर्जी 2024 के सातवें संस्करण का आयोजन करी है। इस 3 दिवसीय सिनर्जी 2024 का आयोजन 16 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक SGT यूनिवर्सिटी के गुरुग्राम परिसर में हो रहा है। सर्वश्रेष्ठ तकनीकी प्रतिभाओं के लिए सिनर्जी 2024 एक आदर्श मंच है। इसका लक्ष्य युवाओं में रचनात्मकता को बढ़ावा देना और उन्हें रिसर्च और इनोवेशन को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उत्सव का पहला दिन महत्वपूर्ण अतिथियों की उपस्थिति में उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। मेहमानों की सूची में फार्म एक्सेल के महानिदेशक के राजा भानु, क्रिंड्रिल के वैश्विक निदेशक प्रांश मनु रॉय और टाटा वन MG के CEO प्रशांत टंडन उपस्थित हुए। इस 3 दिवसीय मेगा इवेंट में दिल्ली NCR के कॉलेजों और स्कूलों के छात्रों के पास विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का मौका है। सिनर्जी 2024 प्रतिभाशाली छात्रों को शानदार प्रोटोटाइप बनाने में मदद करता है। इसके माध्यम से वे वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करके नवीन समाधान पेश कर सकते हैं, ताकि वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से कुशलता से निपटा जा सके। ये टेक फेस्ट छात्रों के लिए एक आदर्श मंच है, जहां वे अपने प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित कर सकते हैं और साथ ही पूरे विश्व की प्रतिभाओं से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। बहुमुखी प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए सिनर्जी 2024 में विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं के साथ ही ड्रोन और रोबोटिक्स प्रतियोगिताएं, स्किल डेवलपमेंट स्टॉल्स और नुक्कड़ नाटक भी शामिल है। तो वो प्रदर्शन करने के लिए उनके जो स्टॉल्स में हैं वो सभी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। वो शायद हेल्थ केयर में हो, इंजीनियरिंग में हो, या कोई भी इनके जो फैकल्टीज़ हैं इंजीनियरिंग में हैं, ये सभी फैकल्टीज़ के तरफ से उनकी जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उसको ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन जो कर रहे हैं इसके नॉट ओनली स्टूडेंट्स हैं, उनके अभी स्कूल स्टूडेंट्स भी बच्चे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि स्टूडेंट्स जो छोटे बच्चे हैं उनको भी इग्नाइट करना चाहिए माइंड्स उनके जो इनोवेटिव के तरह। बिकॉज आज क्या है कि भारत अभी 2024 पे है, 2047 तक ये एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं। अभी डेवलपिंग नेशन पे हैं, हमारी जो भी अभी इकॉनमी है 3.5 ट्रिलियन इकॉनमी है, तब तक वहाँ जाएंगे तो फिर ये समझ लो 2047 तक कितना अगर है। तमाम जो स्टॉल सर लगे हुए हैं, कितना बदलाव, क्योंकि यंग बच्चों ने तमाम स्टॉलों पर काम किया, क्या कुछ कहेंगे उसको, कितना बदलाव? बहुत कुछ काम किया, आप देख सकते हैं कितने 200 से ज़्यादा ही स्टॉल्स पड़े हुए हैं, उसमें जो भी हेल्थ केयर के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, सभी एरोस्पेस के भी हैं। आपने एक नया भी अपने वो स्पेस वाला भी दिखाया था, उसमें भी हैं। सो नेचुरली उनको अगर वो अभी से जो शुरू करते हैं, नेचुरली जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो उसको दे हैव टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स में बदलाव, यानी मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, देन ओनली इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। तो भारत अभी अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको ऐसे ही उनको प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि जैसे कि मैं हेल्थ केयर की तरफ से देखता हूं, तो फिर मुझे क्या है कि दवाइयों में आज भारत अभी कितना 200 कंट्री पे अपनी ड्रग्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करती हैं या तो बेचती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं। तो हमारी यहाँ ये 60 बिलियन US की सेक्टर है, जैसे कि फार्मा की बोलते हैं, तो इसमें से तकरीबन आधा जो है 30 बिलियन US का 27.85 अभी तक मैं बोल सकता हूँ, तो वो एक्सपोर्ट होती है। तो हम 2030 तक 130 बिलियन US की तक की हमारी एक्सपेक्टेशंस है, और 2047 तक 450 बिलियन US की, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हमारी जो ये प्रोजेक्शंस है। तो अगर हम इसको रीच करना चाहते हैं तो फिर नेचुरली हमारी अभी जो इंडस्ट्री है इसके अलावा हमें रिसर्च की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहते हैं। हमारी जो दवाइयाँ अभी जो इसके अलावा जो भी नया जो आते हैं, कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स बोलते हैं उसको, बायोसिमिलर्स बोलते हैं, जीन थेरेपी के बोलते हैं, वैक्सीन्स बोलते हैं, ये सभी अगर हम इसकी तरफ से हमें और भी उसके तरफ से R&D और इनोवेशन कर सकते हैं, तो हमारी अभी जो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम के हिसाब से भारत अभी 3rd नंबर पे है ग्लोब में, और वैल्यू की तरफ से 14th नंबर पे है। बिकॉज हम ज़्यादा, हमारी प्राइस जो है अफोर्डेबिलिटी है, हमारी USP ऐसी है कि क्वालिटी और अफोर्डेबल दोनों मेंटेन करते हैं। अगर हम अगर वैल्यू की तरफ भी अगर बढ़े इन टर्म्स ऑफ रिनोवेशन करें, और ये जो मैंने मुझे बताया था कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स और बायोफार्मास्यूटिकल्स और बायोसिमिलर्स, तो हमारी वो प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत इतनी तरफ की हो सकती है कि हम वैल्यू की तरफ से गए तो फिर आई थिंक प्रॉब्ली तब तक वो रीच हो सकते हैं। और देश के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे देश के बच्चे तो अभी यही तो अभी ये देख रहे हैं, प्रदर्शन में देख रहे हैं जो छोटे छोटे, और उन्होंने जो इनोवेशन जो अभी ये फार्मा की तरफ से हो या हेल्थ केयर की तरफ से हो या इंजीनियरिंग की तरफ से देखे हैं, तो उनको भी लगे कि जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा एक्चुअली उसको कैसे उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, जो उनके जो थिंकिंग है, जो शुड बी वो थिंकिंग उसकी तरफ से जाएंगे तो नेचुरली अभी वो जो वो भी उन्हीं की तरफ से
सोचे और उसके जो उनकी क्षमता बढ़ती सके और डेफिनेटली उन्हें इनोवेशन की तरफ जाएगी। आयोजन बहुत ही उत्तम है और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को ये महसूस होना चाहिए कि उनके काम को सराहा जा रहा है और उनको इस बात की मोटिवेशन मिल पा रही है कि वो आगे जाके उसको सेलेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें। किसी भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है समझ पाना कि उसके मेंटर्स, उसके फैकल्टी मेंबर्स, उसके प्रोफेसर्स और भी जो लोग डिग्निटरीज आ रहे हैं वो उनको सराह सकें, क्योंकि वही मोटिवेशन आपको आगे लेके जाती है अपना काम बड़ा कर पाने के लिए। ये जो तमाम स्टॉल्स लगे हैं, कितना बदलाव समाज में हुआ और किस तरीके से जो स्टॉलों में चीज़ें देखने को मिल रही हैं बच्चों ने बनाई हैं, क्या देखिए बहुत लंबी जर्नी रही है। हम भी स्टूडेंट्स रहे हैं 20-25-30-40 साल पहले, और उस समय कोशिश सबकी रहती थी कि कुछ शोकेस कर सकें, कुछ समाज में बदलाव ला सकें, पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। आज का भारत अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत रिच है, तो स्टॉल लगाना एक पहल है बच्चों की तरफ से, बट उनको एज आई सेड कि सेलेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर पाना, उनको सोसाइटी में मैसेजिंग कर पाना कि ये हम कर सकते हैं, वो महसूस हो पाना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए सबसे बड़ी विन यही है कि हम अपने आप को कह सकें कि हम कर सकते हैं। पहले ये कह पाना थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा नामुमकिन भी था। आज हम अगर कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं तो हम पे कोई शक की निगाह से नहीं देता कि नहीं कर सकते, पता है कि कर सकते हैं, पूछते हैं कैसे कर सकते हैं। वही बदलाव बहुत ज़रूरी है कि ये ना पूछ पाना कि करेंगे या नहीं, कैसे करेंगे। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, मतलब 250 से ज़्यादा इनोवेशन, सारी मीनिंगफुल एरियाज़ में इनोवेशन हो रही है, जो हेल्थ केयर हो बेशक, न्यू टेक्नोलॉजी हो, सस्टेनेबिलिटी हो, एनर्जी ट्रांजिशन, इतना कुछ आजकल यूनिवर्सिटी कैंपस में यंग बच्चे इकट्ठे मिलके प्रोफेसर्स के साथ एक्चुअल इनोवेशन कर रहे हैं, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा खुद यंग फील होता है, खुद एनर्जाइज फील होता है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आज मैं यहाँ पे आया, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी, इतनी एनर्जी देखी, तो ये सब देख के कॉन्फिडेंस आता है कि देश सही डायरेक्शन में है, हमारे देश में अच्छा काम हो रहा है और विकसित भारत बनेगा, और ऐसे ही यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जो काम हो रहा है यही आगे लेके जाएगा देश को। इस तरीके के एग्जीबिशन सर कितना बदलाव लाते हैं? ये एग्जीबिशन लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों को एक दूसरे की प्रेरणा दिलाते हैं, लोग देखते हैं कि बाकी लोग भी कितनी एनर्जी लगा रहे हैं। ये एनर्जी एट द एंड ऑफ द डे जब सारे लोग बेटर चीज़ें बनाने में एनर्जी लगाते हैं, हर एक आइडिया नहीं सक्सेसफुल होता बट वो मूवमेंट शुरू हो जाती है, वो मूवमेंट जो होती है फिर उससे जो ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन एनर्जी है उसकी एक डायरेक्शन हो जाती है सेट की, हमको बेहतर बनाना है कुछ और हमको उसमें एफर्ट डालना है। तो वो एक शुरुआत कॉलेज में ही होनी चाहिए, बल्कि स्कूल में भी हो रही है आजकल, एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि क्वालिटी ऑफ इनोवेशन बहुत अच्छी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका पेटेंट हो सकता है, जो स्केल हो सकती है, कल को कंपनीज बनेंगी, तो मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत ही एक एक्साइटिंग जर्नी शुरू हो चुकी है अब कॉलेजेस में अगले 10-20 साल में। एनबीसी न्यूज़ के लिए गुरुग्राम हरियाणा से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।